ये सीन देखकर आप इसे किसी फिल्म की शूटिंग समझने की भूल ना करें। ये सब हकीकत में हो रहा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ रैलियों में मारामारी हो जाती है, तो ये कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन इस बवाल का कारण सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सिर्फ एक चटनी की खातिर कुछ युवकों ने ऐसा बवाल काटा कि पूरे रेस्टोरेंट का हुलिया ही बदल गया। दरअसल ये पूरा वाकया यूपी के हापुड़ जिले का है, जहां नगर कोतवाली इलाके के फ्रीगंज रोड पर कमल डोसा रेस्टोरेंट मौजूद है। इसी रेस्टोरेंट में कुछ लोग डोसा खाने आए थे, लेकिन डोसे की चटनी खराब थी, जिसे चखते ही युवक आग बबूला हो गया। उन्होंने पहले तो कर्मचारियों से काफी बहस की, उसके बाद भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो रेस्टोरेंट में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। रेस्टोरेंट के बाहर रखे गमले और कुर्सियों को भी आरोपियों ने तहस नहस कर दिया। इससे भी ज्यादा हैरत करने की बात तो ये है कि वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते रहे और अपने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। हालांकि रेस्टोरेंट मालिक की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उत्पात मचाने वाले तीन दबंगों को बिना देरी किए गिरफ्तार कर लिया। रात्रि करीब 10 बजे फ्रीगंज रोड स्थित एक रेस्टोरेंट से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ग्राहक व उसके साथियों द्वारा दुकान में तोड़फोड़ की जा रही है तथा मारपीट की जा रही है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है। खैर, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्यवाही कर दी, लेकिन अब रेस्टोरेंट में घुसकर कटाई धुनाई और तोड़फोड़ का ये सीसीटीवी वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रहा है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।